यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 37 कंप्लीट किया है, तो होप सो आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा अपना पपी वर्क। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 38 इंडिया एट ओलंपिक्स, चैप्टर 39 ग्रेट लेजेंड्स। तो नाउ मूव ऑन चैप्टर नंबर 38 इंडिया एट ओलंपिक्स। हम सब जानते हैं कि अब हमारी कंट्री क्या हो गई है, एक डेवलपिंग कंट्री कहलाई जाती है। वो हर जगह स्पोर्ट्स में, चाहे बिजनेस में या फिर किसी भी फील्ड में हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम कमा रही है। ठीक है, तो इंडिया ओलंपिक गेम्स भी आपका पार्टिसिपेट करती है। ओलंपिक्स हम सब जानते हैं कि ये कब आपका हर चौथे साल में ये आपका कंडक्ट किया जाता, ओलंपिक गेम्स आपके होते ही रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं। कई यहाँ पे टीम्स आती हैं स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है और इंडिया ने भी बहुत सारे यहाँ से मेडल्स हासिल किए हैं और अपनी कंट्री का नाम किया है। तो स्पोर्ट्स हम सब जानते हैं, स्पोर्ट्स भी एक हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं, माई कंट्री बिजनेस में भी हो चाहे फिर बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी हो, तो स्पोर्ट्स में भी इंडिया का नाम आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओलंपिक गेम्स के बारे में और इंडिया के किस प्लेयर को कौन सा मेडल यहाँ पे मिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट इंडिया एट ओलंपिक। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक गेम इन 1900। आपको पता है सबसे पहले इंडिया ने कब ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था? 1900 में किया था। इंडिया नेशनल लेवल हॉकी टीम वाज अ डोमिनेंट इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में हॉकी की टीम ने उसमें जीत हासिल की थी, विनिंग 11 मेडल्स इन अ 12 ओलंपिक बिटवीन 1920 एंड 1980। 1920 से लेके 1980 तक जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इंडिया ने टोटल 12 मेडल को हासिल किया था, इंक्लूडिंग 6 सक्सेसिव गोल्ड मेडल फ्रॉम 1928 टू 1956, जिसमें से 6 उसको गोल्ड मेडल मिले थे। ठीक है, नौ यहाँ पे दिया हुआ है, कैन यू नेम द फॉलोइंग ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे बहुत से ऐसे मेडलिस्ट हैं जिन्होंने मेडल गेन किया है ओलंपिक गेम में, तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और उनके बारे में बताया गया है, तो आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पे। तो नाउ फर्स्ट वन आपका दिया है, ही वन गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इन 2008। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड हासिल किया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था इन 2008 में। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इनको पदक हासिल हुआ था। तो इनका नाम क्या है? इनको हम अभिनव बिंद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनका पिक्चर ये है। नाउ द सेकंड वन आपके हैं, ही गॉट द कंट्रीज फर्स्ट मेडल इन बॉक्सिंग विद अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2008। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले बॉक्सिंग फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए गेन किया था इन 2008 में। तो इनका नाम क्या है? विजेंदर सिंह। ठीक, नाउ द थर्ड आपका है, शी वन ब्रॉन्ज मेडल इन अ बैडमिंटन इन अ वुमेन्स सिंगल्स इन 2012। इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था इन 2012 में। तो इनका नाम क्या है? फोर्थ आपका दिया हुआ है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन अ मेडल इन अ बॉक्सिंग विद हर ब्रॉन्ज मेडल इन अ वुमेन्स फ्लाईवेट कैटेगरी इन 2012। ये ऐसी महिला थी भारतीय, फर्स्ट ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने बॉक्सिंग फील्ड में मेडल गेन किया था इन 2012 में। इनका नाम है एमसी मैरी कॉम। ओके, नाउ द फिफ्थ, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल विद हर ब्रॉन्ज मेडल इन 2016। ये ऐसी पहली भारतीय महिला रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था इन 2016 में।
तो इनका नाम साक्षी मलिक है। ओके, नेक्स्ट आपका है, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल इन अ बैडमिंटन 2016। ये भी भारतीय पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था इन अ बैडमिंटन में इन अ 2016 में। तो ये कौन है, ये पीवी सिंधु हैं। ओके, तो इतने मेडलिस्ट यहाँ पे दिए जिन्होंने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है ढेर सारे मेडल्स को हासिल करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फैक्ट फाइल कुछ कह रहा है। फैक्ट फाइल आपका बता रहा है कि नॉर्मन पिचर्ड वन टू मेडल बोथ सिल्वर इन एथलेटिक्स व्हेन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1900। जो नॉर्मन पिचर्ड थे उन्होंने दो मेडल हासिल किए थे और दोनों उन्होंने सिल्वर ही हासिल किया था एथलेटिक्स में। ठीक है, जब इंडिया ने सबसे पहले ओलंपिक में पार्ट लिया था इन 1900 में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका कह रहा है, अदर देन नॉर्मन पिचर्ड हु बिकम द फर्स्ट इंडियन विद अ मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। यानी कि नॉर्मन पिचर्ड के बाद ऐसे कौन ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल किया था, तो वो है हमारे सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार ही वन ब्रॉन्ज एट द 2008 एंड सिल्वर एट द 2012 ओलंपिक। यानी कि 2008 में उनको ब्रॉन्ज मिला था और सिल्वर उनको 2012 के ओलंपिक गेम में मिला था। ओके क्लास, इस तरीके से हमारे बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने मेडल्स कंट्री के लिए गेन किया है। ओके, तो आई होप इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 39, ग्रेट लेजेंड्स। यहाँ पे ग्रेट लेजेंड्स का मतलब ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात किया जा रहा है जिन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी नाम कमाया है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। क्रिकेट ओरिजिनेटेड इन अ साउथर्न इंग्लैंड बट टुडे इज़ अ पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द वेस्ट इंडीज़ एंड साउथर्न अफ्रीका। आपको पता है इंडिया सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, उसकी ओरिजिनेट कंट्री कौन सी थी, साउथर्न इंग्लैंड थी। बट आज वो पूरे विश्व में कई जगह खेला जा रहा है, बहुत ही पॉपुलर हो गया है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, वेस्ट इंडीज़ एंड साउथर्न अफ्रीका ले लीजिए, अभी बाकी कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनेटर कंट्री कौन था, साउथर्न इंग्लैंड थी। ठीक है, सब यहाँ से ही ये क्रिकेट मैच आपका ओरिजिनेट हुआ है। ना यहाँ पे दिया है सी द पिक्चर्स एंड नेम दीज लेजेंडरी क्रिकेटर्स। यहाँ पे आपको क्रिकेटर्स के नाम बताने हैं उनका पिक्चर्स देखते हुए और उनके लिए कुछ क्लूज यहाँ पे गिवेन है। नाउ द फर्स्ट है, ही हैज़ द बेस्ट डिफेंसिव टेक्निक इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉल। यानी कि इनके पास ऐसा रक्षात्मक टेक्निक है क्रिकेट खेलने की कि लोग आज भी इनको काफ़ी सराहते हैं और इनको वॉल के नाम से भी जाना जाता है, द वॉल। ठीक है, इनका नाम क्या है, ये है राहुल द्रविड़। ये ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं बैटिंग करते वक्त कि ताकि अपने आप को किस तरीके से बचाया जाए और अधिक से अधिक गेन किया जाए, तो ये डिफेंसिव टेक्निक के लिए ये पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इनका नाम राहुल द्रविड़ है। ठीक, नाउ द सेकेंड वन आपका दिया है, ही वॉज अ टॉप बॉलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड वर्ल्ड क्रिकेट। ये आपके टॉप बॉलर ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ही होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विकेट इन द वर्ल्ड कप। इन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है विकेट्स लेने में वर्ल्ड कप में, तो इनका नाम है ग्लेन एमसी ग्रथ। ओके, नाउ द थर्ड, ही इज अ श्रीलंकन बॉलर नोन एज द किंग ऑफ स्विंग। ये श्रीलंकन बॉलर है। ठीक है, इनको किंग ऑफ स्विंग के नाम से जाना जाता है। ही टुक एग्जैक्टली 800 विकेट इन हिज टेस्ट कैरियर। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 800 विकेट्स इन्होंने हासिल किया है, तो इनका नाम है मुथियन मुरलीधरन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है, अंडर हिज कैप्टेंसी इंडिया वन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल इन द ईयर 1983। यानी कि इनके क्या, ये जब कैप्टन थे तो इंडिया ने सबसे पहले वर्ल्ड कप में
जीत हासिल की थी इन 1983 में. ही वॉज अ गिफ्टेड बैट्समैन अलॉन्ग विद अ फेनोमिनल बॉलिंग स्किल. इनके पास बहुत ही अच्छी बॉलिंग स्किल है, ठीक है, बैट्समैन भी हैं ये बहुत अच्छे. तो इनका नाम कपिल देव है, ठीक है. नाउ फिफ्थ आपका दिया हुआ है, ही हैज़ स्कोर्ड 100 इन हिज कैरियर. इन्होंने टोटल 100 स्कोर हासिल किया अपने पूरे कैरियर में. ही हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन इन बोथ ODI एंड द टेस्ट फॉर्मेट. इन्होंने सबसे ज़्यादा रन हासिल किया है, ठीक है, विद द ओवर डू नॉट ब्रेक नंबर रन्स अंडर हिज बेल्ट. कोई भी ऐसा ओवर था जो इनके हाथ से ना छूटा हो. तो इनको सचिन तेंदुलकर कहते हैं, ये तो ऑल पॉपुलर है, इनको तो सब जानते ही हैं, ठीक है. नाउ द सिक्स्थ आपका है, ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम एज ही एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 100 इन अ टेस्ट क्रिकेट. इन ये बेस्ट बैट्समैन के नाम से ये जाने जाते हैं. इनका नाम है सर डॉन ब्रैडमैन. ओके, नाउ फिर थिंक एंड आंसर यहाँ पे दिया है, नेम द टू क्रिकेटर हु हैव प्लेड इन द 6 वर्ल्ड कप. इन्होंने ऐसे क्रिकेटर का नाम बताना है जो कि 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. तो वो कौन है, जावेद मिंदन एंड सचिन तेंदुलकर. ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेला. ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. तो आप लोग इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर टुडे.